क्लास 8 चैप्टर 15 नेम इज इंट्रोडक्शन टू ग्राफ. वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 15.1. आई एम टीचिंग क्वेश्चन फर्स्ट. द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर. अब इसमें क्या बोला गया है कि पेशेंट का हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उनके टेम्परेचर ग्राफ में गिवन है, उनका रिकॉर्ड एवरी आवर में बताना है. ठीक है, एवरी आवर में जिस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग अपन को आंसर देना पड़ेगा, वो भी इस ग्राफ में से देखकर. ये ग्राफ आप लोगों को गिवन है. ओके, अब इस साइड ये देखिए, इस साइड क्या गिवन है आप लोगों के, देखिए टेम्परेचर किस में डिग्री सेल्सियस में है. ओके, और इस साइड टाइम गिवन है 9 PM, 10 PM, 11 AM, 12 noon, इस तरीके से. ओके, ना फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM. ठीक है, तो पेशेंट का टेम्परेचर 1 PM पर कितना है, मीन्स 1 बजे 1 PM पर उसका टेम्परेचर कितना होगा. ओके, तो फिर ये देखिए आप लोगों टाइम का पूछा गया है कि 1 PM पर टेम्परेचर, तो ये देखिए 1 PM देखेंगे, फिर उसी की लाइन में जाएंगे तो टेम्परेचर कितना है यहाँ पे देखकर बताइए. ये टेम्परेचर गिवन है तो उसी की लाइन में ये देखिए, तो टेम्परेचर यहाँ से पता चलेगा. तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये देखिए, यहाँ से अपन गए यहाँ पे, फिर ये जो टेम्परेचर इस लाइन में चल कर देखेंगे टेम्परेचर कितना है. यहाँ बिटवीन आ रहा है, बिटवीन आ रहा है, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना होगा, 36 कंप्लीट है और इन दोनों के बिटवीन 0.5 होगा, 0.5, तो कितना हो जाएगा 36.5. ओके, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36.5. ओके, बी पॉइंट इज व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 38.5 मिस्टर 38.5 टेम्परेचर है तो उसके पेशेंट का टाइम बताना है. ठीक है, तो ये देखिए 38.5 इन दोनों के बिटवीन आएगा, तो ये 38.5. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो जहाँ पे भी ये जो पॉइंट आ रहा है, अब ये देखेंगे इसका टाइम कितना है. ठीक है, इसका टाइम कितना है, तो आप लोग देख सकते हो टाइम कहाँ पे आ रहा है, 12 पर आ रहा है, 12 noon. ओके, बस इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 noon. ठीक है, बात समझ आ रही है, सिर्फ इसमें से देखकर अपन लोगों को आंसर देते जाना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो क्वेश्चन के बाद आप लोग डायरेक्ट आंसर राइट करना है आप लोगों को. गॉट इट, डायरेक्ट आंसर लिखकर इसको राइट करना, 36.5 ओनली. गॉट इट. नाउ सी पॉइंट इज द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम टू टाइम ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दीज टू टाइम. ओके, अब इसमें जो सेम टाइम पर जो टेम्परेचर है उसका टाइम अपन को बताना है. ओके, तो अभी देखिए सेम टाइम पर टेम्परेचर देखते हैं, तो ये देखिए ये दोनों सेम हैं. ठीक है, सेम बोला गया क्वेश्चन में, तो सेम मीन्स एक ही लाइन पर सेम, तो 1 PM पर है और 2 PM पर सेम कंडीशन पर है. ओके, तो इसका आंसर किया जाएगा 1 PM, ठीक है, कॉमन 2 PM. गॉट इट. अब ये देखते हैं थर्ड कंप्लीट डी पॉइंट. व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM. हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर. 1:30 PM, ठीक है, जो टाइम है 1:30 PM का टेम्परेचर क्या है, तो इसका टेम्परेचर बताना है और इसका आंसर देना है अपन को. ओके, तो अभी देखिए 1:30 कहाँ आएगा, तो 1 कंप्लीट है 1:30 मीन्स ये डेढ़ बोलते हैं जो अपन को कि डेढ़ बज गया है, तो 1:30 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बिटवीन आएगा, जो वॉच डे की होगी अपने जो सिक्स पर जो कांटा आ जाता है तो वो 30 कहलाता है, 30 मीन्स आधा घंटा. ओके, मीन्स 1 और हाफ, तो कितना हो जाएगा 1:30, तो यहाँ पे 1:30 आएगा, तो इसका टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर यहाँ बिटवीन आ रहा है, तो टेम्परेचर ये लाइन है, तो टेम्परेचर ये देखिए ये कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मीन्स 36.5 आ रहा है. कितना आ रहा है, 36.5, और उन्होंने बोला है कि इसका आंसर भी देना. हाउ डिड यू अराइव योर आंसर, इस तरीके से डी पॉइंट का आंसर राइट कर देंगे, 36.5 डिग्री सेल्सियस. द पॉइंट बिटवीन 1 PM एंड 2 PM ऑन द एक्स एक्सिस इज
equidistant from the 2 point showing 1 PM and 1 PM 2 PM पर शो हो रहा है, सो इट विल रिप्रेजेंट 1:30 PM. सिमिलरली द पॉइंट ऑन द y एक्सिस बिटवीन 36 degrees Celsius एंड 37 degrees Celsius विल रिप्रेजेंट 36.5 degrees Celsius. ठीक है, 0.5 यहाँ आएगा. ठीक है, मीन समझ गए. तो मीन्स इसमें क्या बोला गया है ये समझिए कि जो 36.5 आया वो कैसे आया. ये लिखा हुआ है कि 35 एंड 36 के बिटवीन जो है, ठीक है, ठीक है, सॉरी 36 एंड 37 के बिटवीन जो है यहाँ पे क्या आएगा, 36.5 आएगा. गॉट इट. और 1:30 PM जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 1:30 PM यहाँ पे आ रहा है. तो मीन्स 1 PM एंड 2 PM के बिटवीन आ रहा है 1:30. ओके, और इसके बाद यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 36.5 आ रहा है. तो कैसे आ रहा है, किस के बिटवीन आ रहा है, 36 एंड 37 के बिटवीन 36.5 आ रहा है. गॉट इट. अब देखते हैं ई पॉइंट. ठीक है, डी पॉइंट कंप्लीट हो गया है. ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट टेम्परेचर सो एंड टू अपवर्ड ट्रेंड. मीन्स इसमें ऐसे पीरियड का टाइम बताना है. क्या बोला गया है कि अपवर्ड मीन्स जो डाउन से अप हो रहा है. ठीक है, तो अब ये देखते हैं डाउन से अप कौन कौन से हो रहे हैं. तो ये देखिए, ये डाउन से अप हो रहा है. ठीक है, तो 9 से 10 पर अप हो रहा है, और यहाँ से भी तो ये अप हो रहा है, 9 से ऊपर के साइड जा रहा है, तो फिर 10 से 11 पर भी जा रहा है, फिर यहाँ से ये डाउन हो गया. मीन्स अप का बता रहे हैं, डाउन से जो अप जा रहा है. लेकिन ये तो ये डाउन हो गया, ये अपन राइट नहीं कर सकते, इसको भी राइट नहीं कर सकते. इसको कर सकते हैं क्योंकि ये डाउन से अप जा रहा है, मीन्स 2 से 3 जा रहा है. इतनी बात समझ आई. तो यहाँ पे राइट क्या कर देंगे, तो अब ये देखिए, अब पहले तो क्या राइट करेंगे, पहले डाउन से अप कौन सा जा रहा है, 9 PM to 10 PM. ओके, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 9 PM to 10 PM. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो गई. और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये कितना है, 10 PM से ये देखिए कहाँ तक है, 10 PM to 11 AM. ये क्या है, AM है. ओके, AM. ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बन रही है, 10 AM to 11 AM. गॉट इट. ये सेकंड है. थर्ड क्या है, ये तो डाउन में चल गया, यहाँ से यहाँ तक अप हो रहा है, तो मीन्स 2 PM से 3 PM. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 PM to 3 PM. गॉट इट. बस इतने इसमें राइट करना था. ई पॉइंट कंप्लीटेड एंड फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड. सेकेंड क्वेश्चन इज द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द ईयरली सेल्स फिगर्स ऑफ फॉर द मैन्युफैक्चर कंपनी. ठीक है, कंपनी है, वही कंडीशन है कि इसमें भी क्या करना है, इसमें क्या गिवन है, सेल्स गिवन है इन रुपीस करोड़ में. ठीक है, और यहाँ पे ईयर्स गिवन है, तो इसको भी जो क्वेश्चन गिवन है इस ग्राफ में से देखकर आंसर राइट करना है. अब इसमें क्या बोला गया, व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006 में कितने सेल्स किए गए हैं. ठीक है, तो 2002 एंड 2006 ये अलग अलग है. ओके, तो फर्स्ट ये 2002 का बताना है फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, और सेकंड पॉइंट 2006. तो 2002 कहाँ है, बस इसमें ये देखिए 2002 है, ये पॉइंट आ रहा है. ठीक है, तो कितने करोड़ सेल्स किए गए हैं, 4. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे 2002 के यहाँ देखेंगे तो ये कितना आ गया, 4 करोड़. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 करोड़. ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड का आंसर, अब सेकंड में क्या बोला गया है यहाँ पे, 2006. ठीक है, अब 2006 का देखते हैं. 2006 में देखिए ये जो पॉइंट आया, यहाँ से देखिए 8 आ गया, तो कितना हो गया, 8 करोड़. तो सेकंड का आंसर कितना हो जाएगा, 8 करोड़. गॉट इट. बस इतने ही आप लोग आंसर राइट करना है. ठीक है, ए पॉइंट. अब देखते हैं नाउ बी पॉइंट. ओके, अब बी पॉइंट में क्या है, तो भी देखिए वेयर वाज द सेल्स इन 2003 एंड 2005 का बोला गया है. ठीक है, 2003, तो 2003 में ही देखिए ये कितना आ रहा है, यहाँ पे बिटवीन में क्या आएगा, यहाँ पे 6 के बाद 7, तो ये आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 करोड़.
सेकेंड का आंसर कितना राइट कर देंगे, 7 करोड़। ओके, अब क्या बोला गया यहाँ पे, 2003 का हो गया 2005, 2005 में ही देखिए ये जो पॉइंट आ रहा है, तो ये डायरेक्ट कितना है, ये 10 करोड़। ओके, तो इसमें राइट कर देंगे अपन 10 करोड़। ओके, बी पॉइंट कंप्लीट। अब देखते हैं सी पॉइंट, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006 इन दोनों के जो भी सेल्स किए गए हैं उन दोनों का माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस बोला गया है तो 2002 और 2006 में देखना पड़ेगा, तो 2002 में कितने हैं, 4 करोड़। ओके, इसमें राइट कर देंगे, देखिए सी पॉइंट, 2002 में 4 करोड़, 2006 में 8 करोड़। ओके, तो डिफरेंस माइनस करना है तो बिग में से स्मॉल माइनस कर देंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 4 करोड़, क्योंकि 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। ओके, दिस आंसर। अब ये देखना है डी पॉइंट, इन दिस ईयर कौन से ये जो ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो मीन्स क्या, जो कंप्लीटली ईयर करता है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, जो सबसे ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा, ठीक है, ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो मीन्स जो ईयर्स हैं, ठीक है, सबसे बिग कौन सा जा रहा है, ग्रेटर कौन सा जा रहा है, ये जा रहा है ना 10 सबसे ऊपर, तो इसका ईयर कितना होगा, ये इन विच ईयर, कौन से ईयर बोला गया था, 2005। ठीक है, तो डी पॉइंट में क्या राइट कर देंगे यहाँ पे, 2005 यहाँ पे 2005। ठीक है, यही बताना है इसमें, तो उस तरीके से क्या जा रहा है, 2005। ओके, सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीटेड।